दोस्तों, अगर आप सबको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप सब 5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सब देखेंगे कि साफ लिखा हुआ है 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप सबको विद इन 24 घंटा के अंदर जो है आप सबको दिया जाएगा, जो कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आप सबको भी पर्सनल लोन की ज़रूरत है, पैसा नहीं है, पैसा लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आप सब इस एप्लीकेशन से ट्राई करके पर्सनल लोन जो कि 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। तो इसके अंदर कैसे आप सबको अप्लाई का प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर ही आप सबको बताने वाला हूँ। तो अगर आप सबको भी पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और फटाफट आप सबको सारा डिटेल अच्छे से बताते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब आएंगे गाइस, जब इस एप्लीकेशन को आप सब ओपन करेंगे तो आप सबके सामने होम पेज कुछ इस प्रकार से आएंगे। तो आप सबको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर का, इस वाले पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इसका लोगो भी आप सब ध्यान में रख लेंगे, जॉब्स लिखा हुआ है, इसी वाले पे आप सबको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले पे आप सब क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने जो है गाइस कुछ देर यहाँ पे लोडिंग होगा, उसके बाद एक पेज आप सबके सामने ओपन होगा। उसके बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे गाइस नीचे की तरफ अगर आप सब देखेंगे तो यहाँ पे आप सबको सबसे पहला स्कीम का ऑप्शन है, दूसरा यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन है, तीसरा जॉब्स है, सर्च है, प्रोफाइल है। तो आप सबको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्विस दिखेगा, इस वाले पे अगर आप सब क्लिक करते हैं तो करने के बाद अब आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहीं पे ऊपर में ही आप सबको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस का, इसी वाले में आप सबको स्क्रॉल डाउन थोड़ा करना है। करने के बाद जो है सबसे लास्ट में अगर आप सब आते हैं तो यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन दिखेगा पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आप सबको इस वाले पे ही क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे गाइस आप सब देखेंगे कि पर्सनल लोन लिखे हुआ है कि 5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है आप सबको 24 घंटा के अंदर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स के दिए जाते हैं। तो आप सबको लोन चाहिए तो आप सब बस क्या करेंगे, पर्सनल लोन है, इस वाले पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद अब आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। आने के बाद जो है गाइस यहाँ पे ये आप सबसे पूछ रहा है कि आप सबका एज जो है कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 57 है। तो आप सब यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मेरा एज जो है 21 से प्लस है, 57 से नीचे है, तो यस करेंगे। उसके बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप सब जो है सैलराइड पर्सन है या खुद का कोई बिजनेस है या आप सब अनएम्प्लॉयड है। तो आप सब जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि अगर आप सब कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है, तो सैलराइड वाले पे क्लिक करेंगे। खुद का कोई बिजनेस वगैरह आप सबका है तो यहाँ पे बीच वाले में क्लिक कर लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पे। अगर ये दोनों में से नहीं है तो नीचे अनएम्प्लॉयड वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये आप सबसे पूछेगा कि आप सबका मंथली इनकम जो है वो 13,500 से प्लस है। तो आप सब यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप सबको यहाँ पे नो करना है। तो मेरा इनकम यहाँ पे 13,500 प्लस है तो हम यस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आप सबसे पूछ रहा है कि आप सबको जो सैलरी मिलता है वो आप सबके बैंक में ट्रांसफ़र होता है या फिर आप सबको कैश मिलता है या फिर आप सबको चेक मिलता है। ये तीनों ऑप्शन हैं। अगर आप सबके बैंक अकाउंट्स में सैलरी आता है तो बैंक वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आप सबको कैश मिलता है तो कैश वाले पे क्लिक करेंगे, चेकबुक के माध्यम से मिलता है तो चेकबुक वाले पे आप सबको क्लिक करना है। तो आपको जहां मिलता है उस वाले पे टिक करेंगे। तो उसके बाद गाइज आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पे जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज अब आप सब देखेंगे कि आप सबको जो है यहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा, एप्लीकेशन लिंक लिखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप सब देखेंगे कॉपी लिंक लिखे हुआ है, इस वाले पे अगर आप सब क्लिक करते हैं तो इसका लिंक जो है यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आप सबको एप्लीकेशन लिंक दिया जाएगा, जिसको आप सबको यहाँ पे लिंक से ही आप सबको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कहीं पे उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद गाइस जैसे ही आप सब उस लिंक को कहीं पे पेस्ट करके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होंगे। तो यहाँ पे आप सबको अपना रजिस्टर्ड विथ योर मोबाइल नंबर फिल करना है। तो आप सबको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है फिल करना होगा। तो हम अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करते हैं, सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे। तो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई नाउ वाले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे अब आप सबको कुछ डिटेल वगैरह यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप सबको अपना फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे फिल करना है, लास्ट नेम आप सबको जो यहाँ पे फिल करना है जो पैन कार्ड के ऊपर है
उसके बाद यहाँ पे आप सबको टिक करना है एम्प्लॉयमेंट टाइप को। अगर आप सब कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलराइड वाले पे टिक कर देंगे, खुद का कोई बिजनेस वगैरह है तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सबको मंथली इनकम यहाँ पे फिल करना है कि आप सब एक मंथ में कितना कमा लेते हैं। कम से कम यहाँ पे 13,500 दिए हुआ है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम क्या है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में चेक मार करके कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस डिटेल को यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। तो यहाँ पे अब आप सबको कुछ बेसिक डिटेल भी यहाँ पे फिल करना होता है, जिसमें एजुकेशन को और बिजनेस नेम को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद गेट ऑफर वाले पे क्लिक करना है। तो एजुकेशन आप सब अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप सब कितना पढ़े लिखे हैं सिलेक्ट करेंगे, और बिजनेस का नाम जो है यहाँ पे आप सबको फिल करना है। उसके बाद गेट ऑफर वाले पे आप सबको क्लिक करना है। उसके बाद आप सबको कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना होगा, प्लीज़ वेट में रहेगा तो कुछ सेकंड विदाउट यहाँ पे रिफ्रेश किए हुए आप सबको वेट करना है। उसके बाद जो भी आप सबको लोन ऑफर होगा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो जो भी आप सबको मिनिमम अमाउंट मिलेगा, जैसे कि इधर देखेंगे 10,000 रुपये हैं, मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा इधर देखेंगे 10,00,000 रुपये हैं। तो आप सब यहाँ पे कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलेगा, इसको इधर उधर करके कम ज़्यादा अमाउंट को कर सकते हैं। तो जितना अमाउंट आप सबको लेना है एक बार रोक लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1,00,000 रुपये को सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद नीचे में आप सबको मतलब कि ट्रेनर मिलेगा, मंथ मिलेगा। मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये, मान लीजिए कि हम यहाँ से 1,00,000 रुपये का लोन लेते हैं 60 मंथ के लिए, तो पर मंथ का जो EMI बनेगा 2,432 रुपये का। 48 मंथ के लिए अगर इस लोन को लेते हैं तो 2,834 रुपये का पर मंथ का EMI बनेगा। अगर इस लोन को हम यहाँ पे 36 मंथ के लिए लेते हैं तो 3,516 रुपये का पर मंथ का EMI बनेगा। तो आप सब क्या करेंगे, जिस मंथ के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि 60 मंथ के लिए तो इस वाले पे टिक करेंगे, 48 मंथ के लिए तो इस वाले पे, 36 मंथ के लिए तो इस वाले पे टिक करेंगे, और कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले पे आप सबको क्लिक करना है। करने के बाद जो है गाइज आप सबको कुछ यहाँ पे और डिटेल्स जो है फिल करना होगा। उसके बाद आप सबको अपना बैंक अकाउंट्स को ऐड करना है, और फिर आप सबको इंटरनेट बैंकिंग से या फिर आप सबको डेबिट कार्ड से यहाँ पे ई मैंडेट को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप सबके बैंक अकाउंट्स में राशि को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब यहाँ पे लोन ले सकते हैं, आप सबके बैंक अकाउंट्स में यहाँ पे इंस्टेंट राशि को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आप सबको इस प्रकार से लोन लेना है। तो दोस्तों कई सारे लोगों को तो यहाँ पे भी लोन दिया जाता है, जैसे इसी के अंदर अगर आप सब अप्लाई करेंगे तो आप सबको यहीं पे लोन मिल जाएगा। तो लेकिन मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे अगर आप सब एलिजिबल नहीं होंगे तो कोई एप्लीकेशन आप सबको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप सब एलिजिबल नहीं होंगे तो आप सबको यहाँ पे एक लिंक जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जैसे मुझे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल एलिजिबल नहीं हूँ कोई भी स्कीम के लिए। तो आप सब अगर यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे तो आप सबको यहाँ पे लोन अमाउंट जो है यहाँ से भी दिया जाता है, 5,00,000 तक का राशि आप सबको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो अगर आप सब मान लीजिए कि यहाँ पे एलिजिबल होंगे तो आप सबको यहीं से अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर आप सब एलिजिबल नहीं होंगे तो आप सबको भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिंक जो है दिया जाएगा, जिस पे आप सब क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन से आप सब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप सब पूछेंगे इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इस एप्लीकेशन का नाम है, आप सब प्ले स्टोर के ऊपर आकर के अगर आप सब सर्च करेंगे माई जियो एप्लीकेशन लिख करके अगर आप सब सर्च करते हैं तो इसका लोगो फिलहाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन से अभी मैंने आप सबको अप्लाई करके दिखाया हूँ। तो इस तरीके से आप सब इस एप्लीकेशन से अमाउंट को ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।